वक्त हमने इससे पहले वो फिल्म रिलीज हुई, मैंने राजू को बुलाया, मैंने कहा एक और बना, वो नहीं चली थी, तुझे याद है राजू, वो फिल्म चली नहीं थी और मैंने तब लगे रहो, मैंने कहा एक और बना। तो हम देखिए हमारी चल जाती हैं फिल्में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम चलाने के लिए फिल्म नहीं बनाते हैं। याद लिख लीजिए, व्हेन आई फर्स्ट मेट विनोद सर, ही हैड टॉट मी दिस वन थिंग, ही हैड शोन मी ऑन हिज सॉफ्ट बोर्ड, देयर वाज अ कोट ऑफ इनवा बर्गमन एंड देयर थ्री कमांडमेंट्स, and I'm sure I've repeated this, I'm repeating this, but it's so important when a question like this comes through. The commandments were, the first thing was, you will entertain. That's the primary responsibility of a filmmaker, that you will entertain. The definition of entertainment can be broad, it can be King Lear. But the commitment to pacing, to engage your audience has to be there, that's the first thing. Second thing is, you will not sell your soul when you entertain. So for entertainment, you cannot cheapen yourself and you can't move away your citizens' convictions as a citizen. You have to hold on to your convictions and then entertain. And the third thing is, you'll treat each film as if it is your last film. So that's the commitment with which you have to make that movie, believe in it, and you shouldn't regret it if you die after having made it. And these three things are the ones that we still try to cherish and remember. It's not always possible, but we try that. Mr. Hirani, also, Ranbir, one more question, please. Ranbir, what I wanted to ask you is that, like you said, even Vidhu sir had said, but I don't want to play Sanju. This was first in your mind. How would I will play Sanju? Now that you have done it and the difference cannot be spotted, which of these six chapters in Sanju's life was the most difficult for you to portray? Difficult was, which I didn't expect, was the young Sanju. Because there was a lot of facets in his life that we had to show, you know, the drugs, coming out of drugs, his, you know, his mother's death and all of that. And I think the most fun was the Munna Bhai phase. That phase of Sanjay Dutt was a lot of fun. So I enjoyed doing that. Mr. Hirani, hi, this is Atika Ahmed Farooqi here. Hi, this is Atika here from Rishti Cineplex and Colors here on your left. एक शेर है जो संजय दत्त की लाइफ को शायद बहुत अच्छी तरह से इनकैप्सुलेट करता है कि ये जबर भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, टू एर इज ह्यूमन, उन्होंने कई गलतियां की जिसका सिला उन्हें मिला। अब मुश्किल ये होती है कि दो तरह की फिल्में बनती हैं, एक है मैरी कॉम दंगल, दूसरी तरफ वो फिल्में भी बहुत अच्छा करती हैं जो पूरी तरह से नेगेटिव किरदारों पे बनी होती हैं। हमने कई अंडरवर्ल्ड के नेगेटिव किरदारों पे ऐसी फिल्में देखी हैं, लेकिन इनकी शख्सियत ऐसी है कि हमको मालूम है कि इनमें ये ऐप थे या ये गलतियाँ थी। डिस्पाइट दीज थिंग्स इनको लोगों ने बहुत पसंद किया, आपने अभी बताया अमेरिका का पूरा इंसिडेंट। ऐसी फिल्म लिखते वक्त उसका स्क्रीन प्ले, कैरेक्टराइजेशन और खास तौर से जो क्लाइमैक्स होता है, जब लोग जाएं खास तौर से यंगस्टर्स इस मूवी को देखकर घर, तो क्या मैसेज लेके जाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत इंस्पायर करती है यूथ में खास तौर से, राइटिंग में इस बात का किस तरह से ख्याल रखा आपने? अभिजात, यू वांट टू आंसर दैट? राइटर नहीं, मैं इसका पहले संक्षिप्त रूप में बता दूं कि जो भी कहानी ये लिखते हैं उसका सबसे पर्पस, पूरी कहानी पढ़ के सिर्फ एक सवाल मैं पूछता हूं कि ये कहानी क्या कह रही है, क्योंकि हमने बहुत कम फिल्में बनाई हैं, लेकिन हर फिल्म में हमने कुछ ऐसा कहा है जो हम, मैं, आपने उर्दू बोला, मैं आपको बंगाली सुनाता हूं, वो कहता है चित्तो जिथो भय शून्य उच्चो तिथो क्षीर, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, थोड़ी उल्टी पुल्टी बंगाली है, लेकिन उसका मत है जब चित्त में भय नहीं होता है तब उसका जो शीर है माथा ऊंचा रहता है। हमारे पे भय नहीं, हम आपको पूछते हैं, सीधी बात कर रहे हैं हम लोग, आप हंसते हैं, कौन बोलेगा, कौन हीरो बताएगा आपको अपनी लाइफ के बारे में, बताइए, हमको पता है, आपको पता है, इसने बताया, तो हम आपको क्लियरली ये बात बोलते हैं कि सबसे जरूरी कहानी में क्या है, कि कहानी कहती क्या है। हमारे भय नहीं है हमारे मन में कि हमारी चलेगी फिल्म नहीं चलेगी, हमारा चित्त जो है बिल्कुल सीधा खड़ा है, क्योंकि हम बहुत अच्छी बात कहेंगे फिल्म में, पर फिल्म में जो हम कहने जा रहे हैं, आप मेहरबानी करके फिल्म देख के देखिए कि हम क्या कह रहे हैं। रणवीर जी, सर, परेश रावल जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? रणवीर, रेखा खान नवभारत टाइम से, आप सबको मेरा नमस्ते और बहुत बहुत बधाई, बहुत ही कमाल का टीज़र है और फिल्म भी, मतलब ये बता रही है कि फिल्म भी बहुत इंशाल्लाह अच्छी होगी। रणबीर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, एक बायोपिक, वो भी एक ज़िंदा इंसान की, एक एक्टर की,
बहुत ही चैलेंजिंग होता है. कभी आप पर अगर किसी तरह की बायोपिक बनने की बात हो तो आप उसके लिए कभी, क्योंकि आपके ज़िंदगी में भी बहुत कुछ, हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, तो आप कभी अपनी ज़िंदगी पर बायोपिक बनाने के लिए राज़ी होंगे, कंफर्टेबल होंगे? मैं राज़ी हूँगा, बट मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी इंस्पायरिंग है. मैं एक्चुअली बहुत बोरिंग इंसान हूँ. मैं काम करता हूँ और घर पर बैठता हूँ, तो बहुत ही एक एग्जिस्टेंशियल काइंड ऑफ पिक्चर होगी. यू नो, जैसे कोई बिग बॉस कैमरा किसी ने लगा दिया है और ये काम पे जाता है, घर आता है, सो जाता है. तो या अगर किसी कोई बनाना चाहता है, ठीक है, बनाए, आई वोंट माइंड, बट आई डोंट थिंक वो चलेगी या कोई उसमें कोई मैसेज होगा. हेलो सर, मैं ये जानना चाहूँगा, परेश रावल जी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल कर रहे हैं, तो सर उनके बारे में कुछ बताएंगे, क्या उनका रोल है? परेश रावल जी. हाँ, परेश जी दत्त साहब का रोल कर रहे हैं, सुनील दत्त जी का. और अब आप देखिए, मैं अगला टीजर, जो अगला ट्रेलर आएगा, आप उसमें आप पूरी कास्ट को देखेंगे. परेश जी ने सुनील दत्त साहब का रोल किया है, विकी कौशल हैं जिन्होंने इनके दोस्त का रोल किया है, मनीषा जी हैं, मनीषा कोराला, जिन्होंने नरगिस जी का रोल किया है, दिया इज मान्यता, एंड देयर्स सोनम, देयर्स अनुष्का. आई थिंक मैंने लाइफ में पहली बार इतनी हीरोइंस के साथ काम किया है. संजय दत्त पे फिल्म बना रहा था ना. राजू सर, यो आप उनका रोल देखिए अभी, मैं कंट्री लीड का, बिजनेस फैंटास्टिक जॉब. राजू सर, हाउ मच फिक्शन हैज बीन एडेड टू द मूवी? हाउ मच ऑफ फिक्शन एलिमेंट हैव यू एडेड टू द मूवी? नो, आई डोंट थिंक वी हैव एडेड फिक्शन, बट वी कैन से समटाइम्स यू डू नीड टू ड्रामेटाइज समथिंग. Or if you think it's a funny scene, you need to make it a little more funny by, because hum to situation sunte hain, humko really pata nahi unke beech mein dialogue kya hua tha. To koshish puri film mein yahi kahi gayi ki actually fact pe banai jaye. We would have dramatized or made it funny or made it more emotional. Those kind of efforts are there, which happen in every biopic. But in this film also toned down. Many things were dramatized, many things were toned down. This was a tough one. For instance, the Obama story was incomplete, because after I checked the story and I went to Sanju and I showed him the paper and I said that, you know, I'm blown away. So this must be the biggest icon that you must have ever interacted with. So he thought about it and said, no, I think that would be Nelson Mandela. So who is going to believe all this? So our film had to have its own kind of realism. And we had to collapse certain characters into one, etc., etc. So it's dramatization at that level. See, because you also have to compress a, it's like a 55-year journey. You can't say it in 2 hours, 30 minutes. So, काफी कुछ compress हो जाता, काफी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, और कई चीजें collapse करनी पड़ती हैं उस ढंग से. And also because we didn't want any controversial stuff in the film, so what we have done is presented, जैसा मैं कह रहा हूँ कि what are we saying in the film? पहले वो जरूरी है. Once that message is clear, then the whole story revolves around that message. That's what we want to do. हेलो भूषण को पूछो ना, इसको सब पता है गानों के बारे में. आजा भूषण, मेरी कुर्सी से बैठ के जवाब दे दे. आ यार, तेरे सवाल पूछ रहे, पूछ ले भैया उसको, इधर ही है वो. आ बैठ, जवाब दे. कैसे गाने इसने सारे दे, बता दे कैसे. चल भैया, रुक जा. बहुत बहुत बढ़िया गाने हैं, बहुत अच्छे गाने, पुराने गाने नहीं है. नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि सब नए गाने हैं. क्योंकि जिस तरीके की फिल्म है उसमें आप पुराने गाने यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ बीन शॉट ऑन मीन संजय दत्त. विद विनोद सर, सर यो, सर यू जस्ट मेंशन दैट यू नो यू हैव टू टोन डाउन सर्टेन थिंग्स एंड सर्टेन. So you just mentioned that, yes, you know, you had to tone down certain things. Was it the bad phase of his life that you have debating? Will you please see the film? I will send you a free ticket. Because if I tell you everything, then why am I? This is a teaser. Then the trailer will come in, which will reveal more. Then the movie will come in, which will reveal everything. So please see it. Hello, sir, everyone. Honey, that's the story, the picture, kaun dekhega? On your left, over here. Yeah, hi. My name is Kajal. I'm from India Today. And I would like to ask a question to all of you. Recently, Saroj Khan has made a statement defending the casting couch in the Bollywood industry. So what are your thoughts, all of you, if you could answer? You know, my wife worked for India Today.
That's an amazing question coming from India today. What do you think our view should be? My comment on this, I've never faced it. So if it's there, it's the worst kind. You cannot take. राजू जी और रणबीर दोनों से ये सवाल था. जब संजय दत्त अभी जो क्लिपिंग आपने दिखाई उसमें कहा कि मुन्ना भाई मुझे लेकर बनाना, मतलब संजय दत्त इतना डर गए हैं आपके परफॉर्मेंस को देखकर रणबीर कि वो सोचते हैं मुन्ना भाई कहीं आपके साथ ना बना ले, तब आपको कैसा लगता है जब ये कमेंट आता है? ये खुशी की बात भी होती है और क्या एम्बैरेसमेंट भी होता है? और राजू जी आप क्या उनको आश्वस्त करते हैं कि नहीं नहीं मैं आप ही के साथ बनाऊंगा? मुझे 100% पता है कि ये जोक था, ये कुछ कॉम्प्लीमेंट था नहीं. मुन्ना भाई इज संजय दत्त, दे कैन ओनली बी वन संजय दत्त. I am trying to portray a character which is Sanjay Dutt. Nobody will ever try to portray a character which is me. That's the difference. So Munna Bhai will always be Sanjay Dutt. Nobody else. तू ऐसा करना कुछ जिस पे तेरे पे पिक्चर बने. Thank you so much, guys. Thank you. Ranbir. All right. We'll take this. I mean, how was it easy? हाँ जी. How many meetings? I can't hear you, ma'am. How many meetings did you have with Sanjay to? How many meetings? And was it easy? Of course, it was very easy because he's a very giving person. I met him a lot, spent a lot of time with him. But then I understood, even Vidhu sir himself had told me that apart from knowing him as a human being, now everything is in the script. You know, that's the guy you want to portray. Sanjay Dutt, to relive when he was 18, to relive when he was 21, will probably be harder for him. So just to kind of understand his mind, his soul, him as a person, was the homework for me. And then I stuck to the script. Okay, guys, we're going to sort of take a pause here. I think it's a time for a photo opportunity, so I'm sure you guys. क्या बोले जी? मल्टा ही सवाल लेके आती है भाई. पोल भरते रहे, चिप भरते रहे, खत्म होने तक लेते रहे.